हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एलगोरिथम एच क्यू टूडे आई एम गोइंग टू राइट द कोर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू ऑल द एलगोरिथम टू सॉल्व दिस इवेलुएट डिवीजन प्रॉब्लम विच इज़ देयर इन लीड कोर इट इज़ अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम एंड बिलोंग्स टू द ग्राफ सेक्शन तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर इसमें हम लोगों को एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है इक्वेशंस एक डबल एरे दिया हुआ है वैल्यूज और अगेन एक लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है क्वेरीज ठीक है तो बेसिकली जो फर्स्ट वाला इक्वेशंस का लिस्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अगेन इक्वेशंस को जिसका मतलब है अगर दिया हुआ है ए कॉमा बी दैट मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू होगी टू ठीक है यहाँ से ऐसे हमें करस्पॉन्ड करना है ठीक है वैल्यू दायरे के साथ और वैसे ही बी कॉमा सी दिया हुआ है तो बी डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू होगी थ्री ठीक है डबल में यहाँ पे नीचे भी देख लेते हैं यहाँ पे ए कॉमा दिया है दैट मींस ए कॉमा बी दिया है दैट मींस ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू होगी वैल्यूज एरे का जीरो एथ एलिमेंट देन इसका फर्स्ट एलिमेंट अगेन बी डिवाइडेड बाय सी होगा टू पॉइंट फाइव बी सी डिवाइडेड बाय सी डी होगा फाइव पॉइंट ज़ीरो ठीक है तो ऐसे हमें करस्पॉन्ड करना है इक्वेशंस को वैल्यूज से अब हमें दी हुई हैं कुछ क्वेरीज ठीक है दैट मीन्स हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब था ए डिवाइडेड बाय बी लेकिन उसकी वैल्यू हमें गिवन थी पहले से वैसे यहाँ पे ए कॉमा सी का मतलब तो वही है ए डिवाइडेड बाय सी पर उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है ठीक है इसमें कभी कभी ऐसी भी वेरिएबल्स दे देंगे हमें क्वेरीज में जो कि एग्जिस्ट नहीं करेंगे इक्वेस में तो उस टाइम पे एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू हमें क्या देनी है माइनस वन जब भी हमें ऐसी कोई आ, ऐसा कोई वेरिएबल मिले जो कि इक्वेश्स का पार्ट नहीं है बट क्वेरीज का पार्ट है तो हर उस केस में हम लोगों को माइनस वन रिटर्न करना है जैसे यहाँ पे ए कॉमा ई दिया है दैट इज़ ए डिवाइडेड बाई ई निकालना है तो उसमें हमने माइनस वन रिटर्न करा हुआ है ठीक है तो क्वेरीज अरे जितनी लेंथ का एक डबल एरे हम लोगों को रिटर्न करना है ठीक है उसमें इन क्वेरीज के आंसर रहेंगे ठीक है जैसे ए डिवाइडेड ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू थी टू एंड बी डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू थी थ्री तो ए डिवाइडेड बाय सी की क्या होगी सिक्स ठीक है और वो कैसे निकालेंगे हम टू इंटू थ्री करके अगर ए डिवाइडेड बाय बी और इंटू बी डिवाइडेड बाय सी करेंगे तो बी और बी जो है वो कट हो जाएगा और ए डिवाइडेड बाय सी बचेगा दैट मीन्स टू इंटू थ्री सिक्स बचेगा ठीक है ऐसे ही करके हमें निकालना है तो अगर इसको हम ग्राफ फॉर्मेट में अगर हम बना लें ठीक है यहाँ पे बना लेते हैं ये ए ठीक है A, ये है ये बी और ये है सी अब हमें दी हुई है ए डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू टू दी हुई है ठीक है तो बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या होगी वन बाय टू दैट इज जीरो पॉइंट फाइव वैसे ही हमें दी हुई है बी डिवाइडेड बाय सी की थ्री तो सी डिवाइड बाय बी की हो जाएगी वन बाय थ्री अब वो जो भी वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट थ्री 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 जी ठीक है तो हम लोगों को बेसिकली क्या करना है ए डिवाइडेड बाय सी निकालना है ए डिवाइडेड बाय सी हम इजीली निकाल सकते हैं अगर हम ए इन बी निकाल लें और बी इन सी निकाल लें और उन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें वैसे ही हम सी डिवाइडेड बाय ए भी निकाल सकते हैं अगर हम सी डिवाइडेड बाय बी की जो वैल्यू है वन बाई थ्री ले लें एंड देन बी डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू निकाल लें जो कि है वन बाई टू ठीक है तो बेसिकली हमें जो भी इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है हमें बस ये देखना है कि हम उस पर्टिकुलर सेकेंड वाला जो वेरिएबल है उस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं फर्स्ट वाले वेरिएबल से है ना ये ग्राफ तो हम बना लेंगे एडजेसेंसी लिस्ट बनेगी तो हमें बस ये देखना है कि ए डिवाइडेड बाय सी अगर हमें निकालना है तो हम उस तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं अब कैसे पहुंचेंगे ए से बी तक जाएंगे ठीक है उसका कॉस्ट कितना होगा टू ठीक है इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब सी का नेबर कौन कौन है एक तो ए ही है ठीक है लेकिन वो तो हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं है ना ए ही तो आए थे और एक सी है ठीक है तो सी हमारा टारगेट नोट है अगर हम देखें तो है ना और सी तक पहुंचने के लिए हमें कितना कॉस्ट देना पड़ेगा थ्री तो टू इंटू थ्री सिक्स हमारा कॉस्ट हो गया हमारे इनिशियल नोड से हम टारगेट नोड तक पहुंच भी गए ए से सी तक और हमें ऐसे ही करके हमारा आंसर मिल गया तो बेसिकली हमें इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है एक ग्राफ में और उससे ये देखना है कि हम इनिशियल जो हमारा वेरिएबल है उससे टारगेट वेरिएबल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं ठीक है तो मोस्टली जो कोडिंग पार्ट रहेगा वही थोड़ा रहेगा समझने लायक ठीक है तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक अलग से क्लास बना रही हूँ नेबर एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए ठीक है जिसमें एक रहेगा स्ट्रिंग वी जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेरिएबल को ठीक है जो कि स्ट्रिंग रहेगा देन डबल डब्ल्यू वेट जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेट को जो कि किसी भी दो नेबर्स के बीच में रहेगा ठीक है डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा दिस डॉट वी इज इक्वल टू वी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और दिस डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ठीक है अब हमारा आ गया मेन फंक्शन ठीक है ये वाला सबसे पहले हम इसमें एक मैप ले, ले लेंगे ऑफ स्ट्रिंग ठीक है नोड और लिस्ट ऑफ नेबर जो कि उसके नेबर्स रहेंगे ठीक है ये एडजेंसी लिस्ट है हमारी न्यू हैश मैप then for int i is equal to zero, i less than values dot length, values dot length ले लो या फिर equations dot length ले लो, equations dot size actually, दोनों same ही चीज़ है, ठीक है? Edges को consider करते हुए हम adjacency list को populate करने वाले हैं। अब एक list of string ले, ले लेंगे, जिसका नाम होगा edges या edge, sorry, है ना? और ये होगा equations डॉट गेट आई ठीक है हर एच को कंसिडर करेंगे अब ले लेंगे एक लिस्ट ऑफ नेबर एन बी आर एस नाम दे देते हैं देन इसमें देखेंगे एडजेंसी लिस्ट में अगर इस जीरो इस एच के जीरो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग अगर कोई लिस्ट प्रेजेंट है तो ठीक है नहीं तो डिफॉल्ट हम एक एम्प्टी लिस्ट ले, ले लेंगे इसलिए गेट और डिफॉल्ट यूज़ किया हुआ है ठीक है तो यहाँ ले लेते हैं एच डॉट गेट जीरो ठीक है एंड देन न्यू एरे लिस्ट ले लेंगे उसके साइड में अब यहाँ पे आ जाएगा नेबर्स डॉट एड न्यू नेबर एच डॉट गेट वन और उसके करस्पॉन्डिंग वेट क्या होगा वैल्यूज ऑफ ठीक है अब हम सेम इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ठीक है और यहाँ नीचे लिख देते हैं और ये करने से पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट में ही पुट भी करना है तो ए डी जे डॉट पुट एज डॉट गेट ज़ीरो कॉमा एन बी आर एस ठीक है उसके बाद ये नेबर्स में हम न्यू लिस्ट डाल देंगे ठीक है करस्पोंडिंग टू एच का सेकेंड वाला पार्ट और यहाँ पे ये एंड यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय जैसे अगर ए डिवाइडेड बाय बी जो है वो टू है तो बी डिवाइडेड बाय ए क्या होगा वन बाय टू तो इसलिए हम वन बाय वैल्यूज ऑफ आई ले रहे हैं ठीक है ए डी जे डॉट पोट एच डॉट गेट वन एंड देन अगेन नेबर्स क्योंकि ये नया वाला नेबर्स लिस्ट है पुराना वाला नहीं है ठीक है अब इस फॉर लूप से हो जाएगी हमारी एडजेसेंसी लिस्ट पॉपुलेट ठीक है अब क्या करेंगे एक डबल एरे बना लेते हैं जो हम रिटर्न करेंगे लास्ट में आंसर इज इक्वल टू न्यू डबल ठीक है और इसकी लेंथ कितनी होगी क्वेरीज डॉट साइज अब यहाँ पे हम हर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग एक लूप लिख लेते हैं जिसे हम इटरेट करेंगे आई लेस देन क्वेरीज डॉट साइज आई प्लस प्लस ठीक है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्यू ले लेते हैं क्वेरीज का एलिमेंट निकालने के लिए क्वेरीज डॉट गेट आई ठीक है अब सबसे पहले क्या एक श्योर sure करेंगे कि इस क्वेरी में जो एलिमेंट्स हैं क्या वो हमारी एडजेंसी लिस्ट में प्रेजेंट हैं तो ये रहेगा Q डॉट गेट ज़ीरो अगर ये भी प्रेजेंट है और जो हमारा सेकेंड वाला एलिमेंट है वो भी प्रेजेंट है तो फिर हम आंसर को एक फंक्शन से पॉपुलेट कर देंगे मतलब आंसर ऑफ आई को ठीक है फंक्शन का नाम अभी के लिए सॉल्व रख देते हैं इसके पैरामीटर्स मैं थोड़ी देर में फिल करूँगी और नहीं तो आंसर ऑफ आई में हम माइनस वन पॉइंट ज़ीरो डाल देंगे ठीक है और एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे ठीक है अभी सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं कैसे हम इसको करने वाले हैं सॉल्व तो यहाँ पे रहेगा प्राइवेट फंक्शन बनेगा प्राइवेट डबल ये हर क्वेरी के करस्पॉन्डिंग आंसर रिटर्न करने वाले हैं हम लोगों को ठीक है तो यहाँ पे रहेगा स्ट्रिंग नोड जो हमारा करेंट नोड रहेगा वो देन डबल आंसर अभी तक का जो आंसर हमारा बना है वो मल्टीप्लीकेशन से देन सेट ऑफ स्ट्रिंग विजिटेड जो भी नोड्स विजिटेड है उसको वापस से नहीं विजिट करना है तो वो स्टोर करना पड़ेगा इसलिए एंड देन स्ट्रिंग टारगेट और ए डी जे हम भूल गए मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा लिस्ट ऑफ नेबर ए ठीक है अब सबसे पहले तो देखेंगे कि अगर विजिटेड में है ये एलिमेंट हमारा जो नोड है रिटर्न कर देंगे माइनस वन ठीक है क्योंकि साइकिल मिल गई है हम लोगों को बेसिकली एक फिर अगर हमारा जो नोड है दैट इज़ इक्वल टू टारगेट दैट मीन्स हमें टारगेट मिल गया है तो हमें क्या रिटर्न करना है आंसर ठीक है दोनों ही केसेस नहीं हैं तो विजिटेड में ऐड कर देंगे हमारे करेंट नोड को ठीक है फिर हर नेबर के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिकर्जिवली ए डी जे डॉट गेट और डिफॉल्ट नोड कॉमन न्यू एरेलिस्ट देन डबल वेल इज इक्वल टू सॉल्व और इस फंक्शन के लिए नोड हो जाएगा अब नेबर डॉट वी दैट इज वेरिएबल जो लिया था देन आंसर इन टू नेबर डॉट डब्ल्यू जो वेट है देन विजिटेड सेट देन टारगेट एंड देन ए डी जे ठीक है अब देखेंगे हम यहाँ पर इफ़ जो हमारी जो वैल्यू आई है हमने जो अभी कैलकुलेट करी है इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन तो रिटर्न कर देंगे हम वेल well. और नहीं तो अगले नेबर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे और सारे नेबर्स से अगर हमें आंसर नहीं मिला तो क्या करेंगे रिटर्न माइनस वन पॉइंट ज़ीरो ठीक है अब यहाँ पे सॉल्व फंक्शन लिख लेते हैं हमें पहुँचना है क्वेरी में जो जीरो एलिमेंट था उससे फर्स्ट एलिमेंट पे तो जो नोड होगा उसका होगा उसकी वैल्यू होगी क्यू डॉट गेट जीरो इनिशियली हमारा आंसर होगा वन पॉइंट ज़ीरो देन सेट के लिए हम न्यू हैश सेट यूज़ कर लेते हैं ठीक है एंड देन टारगेट जो होगा वो होगा हमारा क्यू डॉट गेट वन एंड देन फाइनली ए डी जे तो ये रहेगा हमारा कोट एक बार इसको रन करके देख लेते हैं सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं सबमिट करके देख लेते हैं और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव ऑलरेडी ऑल्सो टेल मी माय इंप्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन दैट्स इट फॉर द वीडियो राधे राधे